हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नम्रता, आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूं। आज है सैटरडे 6 तारीख और मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। तो हम लोग का नाश्ता हो चुका है, आज हम सैंडविच खाए हैं और प्यू दूध रोटी खाई है। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकल गई है, क्योंकि ना अब यहाँ पर ना गर्मी बहुत बढ़ने लगी है। अराउंड 30-31 डिग्री रहता ही है टेम्परेचर यहाँ पर, तो गर्मी बहुत बढ़ रही है। ऑल टाइम फैन चलाना पड़ता है। और आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। यह है वो ग्रीन मटर होती है ना, उसका ग्रेवी झोल। आपको अगर किसी दिन दाल वाल खाने का ना मन करे, चावल दाल, तो उस दिन मटर छिन्नी का झोल और चावल गरम गरम खाए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो हम वही आज का हमारा लंच है। सेम चीज़ मैं प्यू को भी दूंगी, क्योंकि अब मैं प्यू का अलग अलग खाना नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दोनों हम लोग सब एक ही खाना खाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ग्रीन मटर छिल के फिर उसको बॉयल होने के लिए दे दिया है। ये देख पा रहे हैं, ग्रीन मटर के साथ मैंने एक आलू छोटा काट करके दे दिया है। इसे आप प्रेशर कुकर में ना करें। प्रेशर कुकर में करने से क्या होता है ना कि उसका जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अगर डायरेक्ट ऐसे किसी बर्तन में पानी डाल के उसको झोल को मतलब मटर और आलू को बॉईल करेंगे ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये जो पानी है ना, फेंकेंगे नहीं हम, इसका स्टॉक रख देंगे, क्योंकि ये झोल बनने में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। मटर को हमने धो के रख दिया है, आलू को भी धो के दिया है, तो ज़रूरत नहीं है कि पानी को फेंकने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल होने के लिए दिया है। 15 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट, और मीडियम फ्लेम पे दिया है तो बॉयल हो जाएगा। तो बॉयल होने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं अभी मटर छील रही हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग मटर छील रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 1 किलो मटर लेके आए थे, तो 1 किलो मटर छीलने का टाइम भी नहीं मिला था, तो आज टाइम मिल रहा है। सैटरडे को, संडे को ही हमारा टाइम रहता है। और कैमरा थोड़ा प्यू की तरफ भी दिखाइए, क्या कर रही है, खेल रही है के साथ। अब क्या खेल रहे हैं, ये वाला। अच्छा, अरे अरे अरे, मटर आप रख दो प्लेट में, रखो आप, अंदर चला गया क्या? अच्छा ठीक है, अंदर वाला छोड़ दो आप अपना डॉक्टर खेलो। वो डॉक्टर की निकाली है और उन्हीं के साथ अपने डॉल्स के साथ खेल रही है। अरे बाबा, अंदर मटर चला गया, इसीलिए निकालने के लिए बुद्धि देखिए, दिमाग देखिए इसका। ठीक है, डैडू या मम्मा बाद में निकाल देंगे, आप अपने डॉक्टर से खेलो। अब अपना डॉक्टर, यस, हाँ कान में लगा लो, यस। और आप अपना बाबू, हाँ तो डॉक्टर है, कान में लगा लिया, अब इलाज करो। और अच्छा आप चश्मा भी लगा, इलाज करो। आप अपना बाबू का इलाज करो या मम्मा का? मम्मा का, मम्मा का, मम्मा का कर दो। वो क्या है, देखिए मटर पूरे फूल गए हैं, आलू भी हो गए हैं। के लिए हमें जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं तैयारी कर लेती हूँ। आज सैटरडे है, तो क्या होता है ना, सैटरडे या संडे या मैं एक दिन बाद भी करती हूँ, सप्ते में 2 या 3 दिन फेस पैक लगाना रहता है। ये सब मेरे यहाँ पर पिगमेंटेशन हो गया था, पूरा डार्क पैचेस आ गए थे, तो वही मैं घरेलू उपाय कर रही हूँ।
तो वो घरेलू उपाय में मैं बहुत सारे चीज ऐड करके एक मास्टर फेस पैक बनाती हूँ। तो मैं लगभग 14 इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करती हूँ, 14 इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया जाता है। तो सारा चीज मेरे घर पे ही बना रहता है, होममेड है ये फेस पैक, DIY कह सकते हैं। तो ये होममेड फेस पैक मैं देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह है। तो मैंने थोड़ा काढ़ा ही रखा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं किया है। और ये है सर के लिए, देख पा रहे हैं ये, तो ये भी मैं सर पे यूज करने वाली हूँ। तो आज मैं यूज नहीं करूंगी, आज सैटरडे है तो मैं अपने हबी को करूंगी, कि उनके सर पे भी थोड़ा डैंड्रफ आ गया है। तो वो सर का जो पैक है वो मैं उसको अभी लगा दूंगी, फिर आधे घंटे बाद वो नहा लेंगे। और ये फेस पैक मैं और मेरे गौतम दोनों ही यूज करेंगे, आज छुट्टी का दिन है तो मैं गौतम को यूज कर उसको भी देती हूँ, नहीं तो ऑफिस टाइम पे, ऑफिस में तो नहीं का होता है उस टाइम पे, तो इसीलिए सैटरडे संडे को मैं उसको भी स्क्रब वगैरह या फिर फेस पैक वगैरह लगा देती हूँ, ताकि उसका भी स्किन ठीक रहे। उनका भी क्या होता है ना, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, तो और वो नाखून लगा देते हैं तो वो दाग हो जाते हैं, तो वो दाग वाग जाने के लिए फेस पैक बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको ये फेस पैक का बारे में जानकारी चाहिए कि किस क्या क्या चीज़ मैं डालती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको कुछ मेरे चेहरे पर रिजल्ट दिखते हैं तो आप बताएं। तो मैं चलिए अपने हबी को और खुद भी पहले ये फेस पैक लगा लेती हूँ। तो पहले मैं लगा लेती हूँ। तो मेरे पास ऐसा सच कोई ब्रश है नहीं, मैं हाथों की मदद से ही लगा ले रही हूँ। तो मैं कुछ ब्रश नहीं यूज़ करती हूँ, और बाल के लिए भी कुछ बैंड वगैरह है नहीं। मैं क्या करती हूँ कि सर पे भी आज मुझे तेल वेल लगाना ही है, नहाना ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बाल पे लग भी जाएंगे तो। तो मैं उंगलियों की मदद से ही ये फेस पैक लगा रही हूँ। मैंने आपको बताना भूल गई कि मैं पहले क्या की थी। पहले मैंने क्या किया था, टोनर से फेस को पोंछ लिया था। तो मैंने टोनर कच्चा दूध यूज़ किया था, जस्ट कच्चा दूध मैंने रख लिया था दूध उबालने से पहले। तो वो कच्चा दूध को मैंने एक रूई में डीप करके पोंछ लिया था फेस, फिर जब ड्राई हो गया था उसके बाद मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ। और जो दूध रह गया था ना, उसी दूध का भी इसमें यूज़ कर ली हूँ। तो ये फेस पैक में मेरा कच्चा दूध भी है। तो मैंने ये फेस पैक लगा लिया है। तो इसको मैं ना जब तक ड्राई ना हो जाए, एकदम टाइट ड्राई नहीं चाहिए हमें, हल्का सा थोड़ा सा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो वैसे जब तक ना हो जाए तो तब तक मैं इसको लगा लूँ, सूखने के लिए दूंगी। और तब तक मैं अभी गौतम को लगा देती हूँ गौतम के फेस पे। इसकी मदद से ये टूट गया था, मैं उसी की मदद से कर रही हूँ। मैंने इसको सारा लगा दिया है फेस पे, गले में भी लगा दी हूँ, तो थोड़ा बच भी गया है। तो ये भी अभी कुछ देर इनको रहने दूंगी, सूखेगा उसके बाद ये धो लेंगे। और तब तक मैं इसके सर पे लगा लेती हूँ जो मैंने इसके सर का बनाया है पैक। इसको डैंड्रफ बहुत हो चुके हैं, तो उसी के लिए सर का भी पैक बनाई हूँ, तो वो पहले यूज कर लेती हूँ। तो इसमें मैं अभी वो सर का पैक लगा दे रही हूँ।
अच्छे से सारे रूट्स में देना होगा, उसके बाद उसमें मसाज कर देंगे अच्छे से। तो अच्छे से इसमें दे देती हूँ, फिर देखिए मैं मसाज करूँगी। तो ये सर का जो पैक है, अगर आपको चाहिए इसका क्या क्या मैंने डाला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो बाल झड़ना, इनका थोड़ा बाल झड़ने का प्रॉब्लम था तो बहुत हद कम हुआ है, और थोड़ा डैंड्रफ हो चुका है तो वो डैंड्रफ भी ठीक होगा। तो ये देखें बेटियों को, बेटियां ना सच में बाप के आप क्यों टच कर रहे हैं बेटू, आप मत टच मत करो, आपके हैंड पे जो ऑयल लग रहा है। तो एप्पल खा लो, पियो अभी, चलो लो। हाँ ये इधर पहले एप्पल खा लो, उसके बाद आप खेलना। एप्पल खा के दिखा दो, और अभी तक कुछ बना नहीं है, खाली चावल बना है। तो अभी जाके मटर को, जो मटर छीनी है ना ग्रीन, जो मैंने बॉईल करके रखा था ग्रीन मटर, उसको मैं पेस्ट बनाऊंगी। और चलिए देख लेते हैं क्या क्या जरूरत पड़ता है उसको बनाने के लिए। ये तब तक ये एप्पल खाए। मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही क्योंकि ये वाला जो खाना है ना प्यू भी खाएगी, तो हरी मिर्ची मैं लास्ट में डालने वाली हूँ। सब हो जाने के बाद बस चॉप करके डाल दूंगी ताकि तीखा बनाए। तो मैं हरी मिर्ची अभी नहीं डाल रही हूँ, बस ये टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये मटर मैं अभी पीसूंगी, तो मटर को पीसना है कि फाइन पेस्ट करना है, देखिए कुछ इस तरह से पीस लूंगी। और स्टॉक का पानी भी थोड़ा रखा हुआ है, आलू को पेस्ट कर लिया है, प्याज चॉप करके रखा है, टमाटर एक टमाटर लिया है जिसमें अदरक और लहसुन दिया है, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है लगभग आधा कप के करीब, आधा कप से भी थोड़ा कम। और ये मैंने पेस्ट बना के रखा है ग्रीन मटर का, और ये मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी, झोल बनने वाला है तो इसके लिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कढ़ाई अब चढ़ाऊँगी और बाकी सारा इंग्रेडिएंट एक एक करके डालूँगी। हाँ तो मेरा ये देखिए लाइट में आ गई, ये मुँह का सूख गया है, ड्राई हो गया है बट हल्का हल्का भीगा हुआ है। तो मैं हाथ में थोड़ा सा पानी लेते हुए इसको रब करके धोऊंगी। तो हाथ में मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, देखिए स्किन बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। मैं इसे आपसे डैब डैब करके पोंछ ले रही हूँ। और मेरी बेटी भी फेस पैक लगा रही है, उसको जो मैंने एप्पल खाने के लिए दिया था ना वो एप्पल अपने चेहरे पे लगा रही है, तो उसे सब पता है क्या करना होता है स्किन के लिए और क्या नहीं। तो ये सबसे बड़ी हमारी स्किन स्पेशलिस्ट मास्टर है, आप बोल सकते डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो देखिए क्या कर रही है, एप्पल को वो घिस रही है, इसीलिए इसका ग्लोइंग स्किन का राज है यही। तो एप्पल को भी स्किन में लगाने से बहुत अच्छा होता है, तो वो वैसे ही डैप करके लगा रही है। तो आप मेरे स्किन को देख पा रहे हैं कितना ग्लो हो चुका है, मैं
गौतम भी अभी नहाने चला गया है, उसका भी ड्राई होने जा रहा था तो वो भी नहाने गया है, क्योंकि उसने सर पे भी पैक लगाया है तो एक ही बार वो नहा के निकलेगा। तो मैं अभी नहाने नहीं जा पा रही हूँ, खाना बनाना है तो खाना बनाने के बाद ही जाऊँगी नहाने के लिए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसमें थोड़ा विटामिन ई ऑयल मिला के स्किन में डैप करके लगा लूँगी, क्योंकि मैं अभी खाना पका रही हूँ तो स्किन में डायरेक्ट गर्म हवा का कॉन्टैक्ट ना हो, गर्म चीज़ ना मिले, नहीं तो और डैमेज होने का डर रहता है। तो मैं थोड़ा एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई ऑयल लगा ले रही हूँ। तो ये भिंडी को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये तेल को मैंने गर्म होने के लिए दिया है, सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। यहाँ लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों तेल को हम गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें हम तेज पत्ता एक डालेंगे, बेलीप, एक सूखी मिर्ची जो छौके के लिए लगती है वो सूखी मिर्ची का इस्तेमाल किया है मैंने, और लगभग 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने लिए हैं, काले सरसों के दाने हैं ये, इन्हें हम कुछ देर के लिए चटकने देंगे। उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। ये जो हमने स्टॉक रखा था उसी स्टॉक में मैं मसाले डाल के इसे फूलने के लिए दूंगी। मसालों को अगर आप पानी में फूलने के लिए देते हैं ना तो उसमें क्या होता है वो उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो सबको हम फूलने के लिए दे दिए हैं। तो हमारा प्याज भून गया था, इसके बाद मैंने वो टमाटर का प्यूरी जिसमें मैंने अदरक लहसुन पेस्ट करके रखा एक ही साथ मैंने पेस्ट कर दिया था, और इसमें अब हम नमक लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लें। नमक देने से क्या होगा, टमाटर जल्दी पकेगा। तो अब इन्हें हम कुछ देर पकाने दे देंगे, और ये मसाले हमारे फूल गए हैं, इसे हमने अच्छे से मिक्स करके रखा है। देखिए टमाटर से तेल अलग हो गया है, इस टाइम पे जो हमने मसाले फूलने के लिए दिया था पानी में उसे हम डालेंगे। पर उससे पहले हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। कुछ देर हम ऐसे चलाते हुए पकाएंगे कुछ सेकंड तक। उसके बाद जो हमने मसाले का पानी फूलने के लिए दिया था उसी को डाल देंगे, और अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक मसाले पूरी तरह से पक ना जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हमारे देखिए मसालों से तेल अलग हो चुका है, मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अब जो हमने आलू मैश करके रखा था ना वो आलू दे देंगे। आलू मैश करके इसमें अगर हम डालेंगे ना तो जो इसका जो ग्रेवी बनेगा ना वो थोड़ा सा थिक होगा, इसलिए हम यहाँ पर आलू का उपयोग कर रहे हैं। हमारे सारे मसाले आलू के साथ लटपट हो चुके हैं, इसमें से भी तेल अलग हो चुका है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था ना मटर छीनी का, उसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करते हुए, लगभग 1/2 कप पानी ऐड करते हुए इस मसाले को हम चलाते हुए पकाएंगे। कुछ इस तरह से जब आपके मसाले देखें कि ये उबाल आ चुकी है, इसमें ये पक चुके हैं, डबक रहे हैं, तो उसी टाइम पे अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप जो पानी अपने हिसाब से लें कि कितना ज़्यादा आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो, उससे 1/2 कप या 1 कप ज़्यादा लें, क्योंकि इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकाना है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 कप पानी डाला है, क्योंकि हमें 2 कप पानी की झोल की ज़रूरत है, तो 1 कप उबाल में आने के लिए हमने डाला है। तो ये हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये उबाल आ चुकी है, हमारा झोल अच्छे से पक चुका है। इसमें अब हम लगभग 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और धनिया पत्ता छिड़क के इसे उतार लेंगे। टाइम कितने हो रहे हैं, 12:30 हो चुका है, प्यू का खाने का टाइम हो चुका है। तो मैं जल्दी से पूजा दे देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद प्यू को खिलाती हूँ। स्किन मस्त ग्लो कर रहा है ना। चलो ये देखिए, ये पूजा कर दी।
हो गया आपको पूजा करना, आपके आंख में कुछ है, रुको। किधर पर टीवी को पूजा कर रहे हैं क्या? मैं पियू को खाना खिला ली हूँ और अभी बज रहे हैं, 1 बज रहा है, तो मैंने आधा घंटे में आज पियू को खाना खिला लिया है, जल्दी खा लिए। कपड़े हो चुके थे वॉशिंग मशीन में, तो जल्दी से इसे बाहर मैं टांग देती हूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही थे। अब खाना परोस लेती हूँ। देखिए ये ग्रीन मटर का जो झोल है, ग्रेवी, बहुत ही गाढ़ा बना है, इसे आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ग्रीन मटर ना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो इस तरह से अगर आपने कभी अगर ग्रीन मटर का झोल नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेसिपी मैं अपनी सासू माँ से सीखी हूँ। मेरी सासू माँ इस बार जब हम घर पे गए थे ना, तो वो बना के हमें खिलाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वही इनको भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये हम कभी कभी बीच बीच में बना लेते हैं। और अभी ठंडी के टाइम तो मटर थोड़ा सस्ता ही मिलता है, तो हमने खाना निकाल लिया है और अभी गर्मा गर्म खाएंगे। बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के पहले मैंने पपीता काट दिया था, पका हुआ पपीता, तो इसे मैं पियू को खाने के लिए दे दी हूँ। और ये अभी टीवी देख रही है, हम लोग जब खाना खाने बैठे थे तब इसको टीवी ऑन किए थे, खाना खाने के टाइम टीवी नहीं ऑन किए, क्योंकि ये बहुत बदमाशी करती है, टीवी देखते टाइम अगर खाना खाती है ना तो मुंह में ही रखी रहेगी, खाएगी नहीं जल्दी जल्दी, मतलब चबाती नहीं है, मुंह में रख देती है। इसलिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि टीवी ऑन ना करें और खाना खिलाए। कैसे खिलाते हैं बोले तो उसको स्टोरी सुनाते हैं अलग अलग, इतना बकर बकर बात करना पड़ता है इसके साथ, अलग अलग स्टोरी कैसे भी बना के, अच्छा अच्छा कुछ भी स्टोरी इसको सुना सुना के, कहानी सुना सुना के खिलाती हूँ ना, तो ठीक से खाना खा लेती है। तो सैंडो गंजी ये सब भी पहनाती हूँ, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना सर तो भीगा रहता है, बाल इसको बांध देती हूँ, तो इसको बांध दूँगी शाम को, बांध नहीं तो इसके पूरे पसीने पसीने भर जाते हैं। सोच रहे हैं बाल कटा दें इसका, तो सब बोलते हैं तकलीफ ज़्यादा करेंगे, 2-3 बार तो बाल घने भी आएंगे और ज़्यादा कर्ल है, तो वही सोच रहे हैं थोड़ा 2-3 बार अगर टकलू करते हैं तो अगर बाल थोड़ा स्ट्रेट आएगा तो ठीक रहेगा, नहीं आएगा फिर भी चलेगा, कर्ली बाल का ज़माना है, कर्ली बाल भी चल रहे हैं, तो पर इसके बाल थोड़े घने होने चाहिए, इसमें घने नहीं है, इसीलिए और एक बार इसको टकलू कर देते हैं। और उसका बर्थडे आने वाला है तो बर्थडे के बाद ही टकलू करेंगे सोच रहे हैं, अगले बार तो बहुत इजीली टकली करने दे दिए थे, इसके डैडू ने काट दिया था, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी और टकली करने के लिए दे दिया था, तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर इस बार देखते हैं घर पे करने देती है या सैलून जाना पड़ेगा। इससे कि बाल टकली कर दे क्या, तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, गुस्से से बोलती है, उसको अब समझ में आने लगा है कि टकली करने से अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसीलिए शायद बोलती है नहीं नहीं, तो पता नहीं करने चाट चाट के खा रही है। ऐसे उंगली चाट के कौन खाता है? मिठुन, मिठुन खाता है, ऐसे डैडू खाते हैं सब, मिठुन इसका मामा के नाम है, तो जो भी कुछ करता है तो उसको मिठुन कहते हैं। बालकनी अगर सॉरी बाथरूम गंदा रहा तो मिठुन मामा करते हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं, कुछ भी नया चीज वो कर रही है तो कौन करता है, तो मिठुन कर रहे हैं। तो हम अभी सोने के लिए आ गए हैं, तो देखिए बाहर कितना धूप रहता है आजकल, तो खिड़की विड़की बंद कर देना पड़ता है, हल्का गर्म हवा भी आती है, तो बंद करके फिर थोड़ा सोएंगे हम लोग, आराम करते हैं। पियू भी नीनी करने आई है। ये ब्लॉग मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ, ये ब्लॉग मैं 2 पार्ट में लाने वाली हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो अभी हम शाम के वक्त के बाद का जो ब्लॉग होगा ना, मैं आपको बाद में अपलोड करती हूँ। ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट के लिए आप ज़रूर मेरा इंतज़ार करें, और मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद के ब्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।